के लिए सलमान कर रहे हैं सोनाक्षी के नाम की सिफारिश। क्यों हुई सोनम और आनंद की शादी पोस्टपोन? सलमान की मनमर्जी से परेशान हुए उनके शो के मेकर्स। ऐश्वर्या राय बच्चन को देखने के लिए भीड़ हुई बेकाबू। आलिया भट्ट के लिए करण जौहर के पास एक है स्पेशल ऑफर। सलमान खान ने किया सोनाक्षी का नाम फिर रेकमेंड। किस प्रोजेक्ट में फिर से साथ नजर आएंगे दबंग सलमान अपनी रज्जो के साथ? देखिए ये एक्सक्लूसिव स्टोरी। सलमान सोनाक्षी की ये जबरदस्त केमिस्ट्री फिर से आएगी नजर। ऑन स्क्रीन एक दूसरे से रोमांस करते सलमान सोनाक्षी आएंगे फिर से नजर। प्लैनेट बॉलीवुड को एक्सक्लूसिव सोर्सेज से खबर मिली है कि सलमान खान ने सोनाक्षी सिन्हा का नाम एक फिल्म के लिए रेकमेंड किया है जिसमें वो खुद भी काम कर रही हैं। जी हाँ, सलमान खान ने देओल फैमिली से वादा किया था कि वो उनकी फिल्म यमला पगला दीवाना 3 में एक स्पेशल सॉन्ग को शूट करेंगे। और जब सलमान को पता चला ये स्पेशल सॉन्ग ओ मेरे सोनारे होने वाला है, उन्होंने तुरंत धर्मेंद्र को सोनाक्षी का नाम रेकमेंड कर दिया। सलमान को लगता है स्पेशल सॉन्ग में अगर सोनाक्षी भी नजर आए तो ये सॉन्ग और भी इंटरेस्टिंग हो जाएगा। सोर्सेस का कहना है कि सलमान के इस सजेशन को देओल्स ने मान लिया है और इस सॉन्ग की शूटिंग शुरू भी हो गई है। कहा जा रहा है कि इस फिल्म के सेट पर बॉलीवुड डीवा रेखा को भी स्पॉट किया गया था। ऐसे में हो सकता है कि सलमान के स्पेशल सॉन्ग में रेखा जी भी आए नजर। वैसे ये पहली बार नहीं है जब सोनाक्षी के लिए सलमान ने बड़ा दिल दिखाया है। जब भी सलमान को सोनाक्षी के लिए कोई भी सूटेड रोल मिलता है वो उनका नाम रेकमेंड करना नहीं भूलते। अब सलमान ने सोनाक्षी को बॉलीवुड में लॉन्च किया है और लगता है आज भी उन्होंने सोनाक्षी के करियर को आगे बढ़ाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी उठा रखी है। तो संदेश अगाटे, जूम मुंबई। सोनम कपूर और आनंद आहूजा की जुलाई में होने वाली वेडिंग को कर दिया गया है पोस्टपोन। क्या है सोनम और आनंद के इस सडन डिसीजन की वजह? लेट्स फाइंड आउट। सोनम आनंद की नहीं होगी इस साल शादी। जुलाई महीने की डेट को कपूर फैमिली ने कर दिया है पोस्टपोन। सोनम और आनंद की फैमिली ने मिलकर लिया है फैसला कि शादी होगी अब नेक्स्ट ईयर के शुरुआत में। दरअसल श्रीदेवी की सडन डिमाइज की वजह से पूरी कपूर फैमिली अभी भी शॉक में है और सोर्सेस का कहना है कि कपूर फैमिली अब लगभग एक साल तक कोई भी सेलिब्रेशन नहीं करना चाहती। साथ ही सोनम कपूर श्रीदेवी के काफी क्लोज थी जिसकी वजह से वो इतनी ज्यादा अपसेट हैं कि वो अपने लाइफ के सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर की शुरुआत इस दुख की घड़ी में नहीं करना चाहती। वैसे पूरी कपूर फैमिली ने शादी के डिसीजन का फैसला सोनम पर ही छोड़ रखा था और अब सोनम ने डिसाइड कर लिया है कि वो करेंगी नेक्स्ट ईयर शादी। सोर्सेस का कहना है कपूर फैमिली और आनंद की फैमिली ने पूरी तैयारी पहले से ही कर ली थी और अब सारे अरेंजमेंट्स को वो कैंसिल कर रहे हैं। श्रीदेवी का यूं अचानक चले जाना पूरी कपूर फैमिली के लिए किसी सदमे से कम नहीं और अब पूरी फैमिली को इस दुख से पूरी तरह से उबरने में लग सकता है काफी ज्यादा वक्त। ब्यूरो रिपोर्ट, जूम मुंबई। सलमान खान के अपकमिंग गेम शो के मेकर्स आजकल काफी परेशान हैं और इसकी वजह है भाईजान की मनमर्जी। देखिए कैसे सलमान के बिंदास अंदाज ने उड़ा रखी है इस शो के मेकर्स की नींद। क्या दबंग सलमान खान के पास नहीं है अपने शो के लिए टाइम? क्या सलमान नहीं दे रहे शो के मेकर्स को शूट के लिए वक्त? क्यों रहने वाले हैं सलमान 10 का दम के ऐप लॉन्च से एब्सेंट? बॉक्स ऑफिस के टाइगर सलमान खान के बारे में अक्सर ये खबरें आती रहती हैं कि अगर उन्हें किसी प्रोजेक्ट में लिया है तो उनके हिसाब से ही चीज होनी है।
According to our exclusive source, Salman Khan ke TV show 10 ka Dam ke season 2 ka app launch hone wala tha. Lekin Salman ke paas iske liye waqt hi nahi hai, jiski wajah se is app ko Salman ki ghair maujoodgi mein simple tarike se launch kar diya jayega. बताया जा रहा है कि ये ऐप शो के लिए बेहद ही अहम हिस्सा होने वाला है क्योंकि इसी के जरिए लोग लाइव भी शो में खेल सकते हैं। वहीं अभी तक सलमान ने सिर्फ शो का टीजर ही शूट किया है जबकि अपेरेंटली अभी काफी और भी शूट करना बाकी है। सोर्सेस के अकॉर्डिंग सलमान को शो के सीजन के लिए अप्रोक्सीमेटली 78 करोड़ दिए जा रहे हैं एज फीस, लेकिन सलमान को ये फीस भी कम लग रही है, शायद इसीलिए दबंग खान शो के शूट के लिए डेट्स फाइनल नहीं कर रहे हैं। देखना इंटरेस्टिंग होगा कि सलमान फाइनली कब मानते हैं और कब देते हैं 10 का दम के लिए अपनी डेट्स। ज्योति सिंह, जूम, मुंबई। ऐश्वर्या फिर से मॉब्ड होते होते बची। एक इवेंट पर मिस मैनेजमेंट की वजह से ऐश्वर्या को करना पड़ा भारी मुश्किल का सामना। ऐश्वर्या राय बच्चन हुई परेशान। आखिर ऐसा क्या हुआ कि ऐश को रेस्क्यू करने के लिए आना पड़ा उनकी सिक्योरिटी टीम को? आखिर क्यों बिना मीडिया इंटरेक्शन के ही एक इवेंट से ऐश्वर्या को जाना पड़ा? रिसेंटली ऐश्वर्या राय बच्चन पहुंची थी स्माइल ट्रेन फाउंडेशन के एक इवेंट पर, जहां ऐश स्माइल ट्रेन फाउंडेशन की टीम से मिली, किड्स से भी मिली, यहां तक कि उन्होंने इवेंट के बारे में लंबी बातें भी की। इसके साथ साथ उन्होंने अपने डैड को भी याद किया, लेकिन जब बात मीडिया इंटरेक्शन की आई तो कुछ ऐसा हुआ जिसकी वजह से ऐश्वर्या को बीच में ही इवेंट छोड़कर जाना पड़ गया। बताया जा रहा है कि ऐश्वर्या वैसे तो मीडिया इंटरेक्शन में सिर्फ इवेंट के बारे में ही बात करने वाली थी, लेकिन एन मोमेंट पर टीम की मिसमैनेजमेंट के चक्कर में ऐश्वर्या को बिना मीडिया इंटरेक्शन किए निकलना पड़ा। नौबत तो यहाँ तक आ गई कि ऐश को रेस्क्यू करने के लिए उनके बॉडीगार्ड्स को आना पड़ा, तब जाकर वो इवेंट वेन्यू से बाहर निकल पाई। लगता है इवेंट टीम के मिसमैनेजमेंट की वजह से ऐश्वर्या को झेलनी पड़ी परेशानी। ज्योति सिंह, जूम, मुंबई। अनुष्का शर्मा है आजकल थोड़ी अपसेट और इसकी वजह है उनकी लेटेस्ट रिलीज परी को बॉक्स ऑफिस पर मिला नॉट सो गुड रिस्पॉन्स। दरअसल अनुष्का को इस फिल्म से थी काफी उम्मीदें, लेकिन कमाई के मामले में उनकी फिल्म रह गई काफी पीछे। परी को मिले रिस्पॉन्स से अनुष्का शर्मा है नाखुश। अनुष्का की एक्सपेक्टेशंस पर खरी नहीं उतरी परी की कलेक्शन। क्या नो प्रमोशन स्ट्रेटजी पड़ गई अनुष्का को महंगी? सोर्सेस की माने तो अनुष्का शर्मा अपनी थर्ड प्रोडक्शन परी को मिले ल्यूक वॉर्म रिस्पॉन्स से नहीं है खुश। दरअसल खबर है कि परी की ओपनिंग वीकेंड कलेक्शन से अनुष्का को थी काफी एक्सपेक्टेशंस, पर जब बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के रिकॉर्ड सामने आए तो अनुष्का की उम्मीदों पर फिर गया पानी। वेल, आपको बता दें कि होली वीकेंड पर रिलीज होने के बाद भी जहां परी ने पहले दो दिनों में किया करीब 9 करोड़ का बिजनेस, वहीं इस फिल्म की थर्ड डे कलेक्शन भी नहीं रही कुछ खास इम्प्रेसिव। बताया जा रहा है कि इसकी एक वजह है फिल्म का बहुत ही कम प्रमोशन। माना अनुष्का कि आप बिजी थी अपने वर्क कमिटमेंट्स में और परी थी एक स्मॉल बजट फिल्म, लेकिन जहां आपके हस्बैंड और क्रिकेटर विराट कोहली ने की परी को सोशल मीडिया के थ्रू प्रमोट करने की पूरी कोशिश, वहीं ऑडियंस तक इस फिल्म को पहुंचाने के लिए शायद आपको भी करना चाहिए था थोड़ा और एफर्ट, क्योंकि हर कोई सोशल मीडिया पर नहीं रहता एक्टिव। हालांकि अनुष्का अभी परी की रिलीज को 4 दिन ही हुए हैं, ऐसे में फिल्म की बॉक्स ऑफिस कलेक्शन को लेकर परेशान होना शायद सही नहीं होगा। ज्योति सिंह, जूम, मुंबई। फिल्म स्टूडेंट ऑफ द ईयर के बाद से करण ने आलिया भट्ट को किसी भी फिल्म में एज अ लीड एक्टर डायरेक्ट नहीं किया है, और अब आलिया की बढ़ती पॉपुलैरिटी के बाद करण ने उन्हें एक सुपरस्टार के साथ कास्ट करने का फैसला लिया है। देखिए ये खास रिपोर्ट।
अपनी स्टूडेंट आलिया को फिर से डायरेक्ट करना चाहते हैं करण जौहर। इस बार करण कौन सा रोल देने वाले हैं आलिया को? सोर्सेस की माने तो आलिया भट्ट की डेब्यू फिल्म स्टूडेंट ऑफ द ईयर को डायरेक्ट करने वाले फिल्म मेकर करण जौहर है इंटरेस्टेड आलिया को अपने एक और अपकमिंग प्रोजेक्ट में कास्ट करने के लिए। लेकिन इस प्रोजेक्ट को करण न सिर्फ प्रोड्यूस करेंगे बल्कि खुद डायरेक्ट भी करेंगे। कहा जा रहा है कि करण का ये प्रोजेक्ट है अभी प्री प्रोडक्शन स्टेज में और फिलहाल वो कर रहे हैं इसकी स्क्रिप्ट पर काम और कोशिश कर रहे हैं टू इंक्लूड आलिया ऑल्सो इन द प्रोजेक्ट। वेल, अब करण इस प्रोजेक्ट के साथ आलिया को ऑफर करेंगे फुल फ्लेज्ड रोल या ये होगा एक स्पेशल अपीयरेंस या फिर इस प्रोजेक्ट में करण के दो और स्टूडेंट्स वरुण और सिद्धार्थ भी आएंगे नजर, ये जानने के लिए करना होगा थोड़ा इंतजार। फिलहाल जहां आलिया बिजी है गली बॉयज और ब्रह्मास्त्र की शूटिंग में, वहीं करण भी लेने वाले हैं काम से थोड़ा सा ब्रेक टू फोकस कंप्लीटली ऑन हिज ट्विन्स फॉर अ व्हाइल। फॉर संदेश अगाटे, ज़ूम मुंबई। वाणी कपूर के डांस मूव ने किया एक डायरेक्टर को इतना इम्प्रेस कि उन्होंने अपनी डांस बेस्ड फिल्म के लिए किया है वाणी को अप्रोच। वेल, अगर वाणी इस फिल्म के लिए हो जाती है फाइनल तो उन्हें मिल सकता है बॉलीवुड के टॉप एक्टर्स के साथ काम करने का एक गोल्डन चांस। रोम कॉम्स के बाद अब वाणी कपूर कर सकती है एक डांस बेस्ड फिल्म। कौन है वो जिसे वाणी के बेफिक्रे डांस मूव्स ने किया है इम्प्रेस? सोर्सेस की माने तो आलिया भट्ट, दीपिका पादुकोण, जैकलिन फर्नांडिस और श्रद्धा कपूर जैसी एक्ट्रेसेस को कोरियोग्राफ करने वाले कोरियोग्राफर टर्न्ड फिल्म मेकर रेमो डिसूजा वाणी कपूर को कर सकते हैं अपने नेक्स्ट प्रोजेक्ट में कास्ट। जहाँ रिसेंटली सोशल मीडिया पर हुई थी रेमो के डायरेक्शन में बनने वाली अब तक की सबसे बड़ी डांस फिल्म की अनाउंसमेंट, वहीं 19 मार्च को की जाएगी इस फिल्म की स्टार कास्ट की अनाउंसमेंट, जिसमें बॉलीवुड के टॉप ए लिस्टर्स आएंगे नजर। और सोर्सेस की माने तो रेमो इस प्रोजेक्ट के लिए है इन टॉक्स विद वाणी कपूर। दरअसल वाणी की लास्ट फिल्म बेफिक्रे भले ही ऑडियंस को नहीं कर पाए हो इम्प्रेस, पर इस फिल्म में वाणी के डांस मूव्स देखने के बाद रेमो हो गए फैसिनेट और इसीलिए रेमो को लगता है कि वाणी उनकी अपकमिंग डांस फिल्म के लिए होंगी परफेक्ट चॉइस। लेकिन वाणी इस वक्त टाइगर श्रॉफ और ऋतिक रोशन स्टारर एक एक्शन फिल्म में भी है बिजी। ऐसे में वाणी रेमो की इस डांस बेस्ड फिल्म के ऑफर को करेंगी एक्सेप्ट या रिजेक्ट, ये कुछ दिनों में अपने आप हो ही जाएगा साफ। निकिता वधावन, जूम मुंबई। एक्ट्रेस विद्या बालन की फिल्म तुम्हारी सुलु को मिला था बॉक्स ऑफिस पर काफी अच्छा रिस्पांस और अब इस फिल्म का बन रहा है तमिल और तेलुगु लैंग्वेज में रीमेक। क्या विद्या नजर आएंगी अपनी ही फिल्म के रीमेक में? तुम्हारी सुलु के साथ मिली विद्या बालन को लंबे समय बाद एक हिट फिल्म, जिससे विद्या का कॉन्फिडेंस हुआ बूस्ट और तुम्हारी सुलु को मिले अच्छे रिस्पांस को देखते हुए अब इस फिल्म का बनने जा रहा है सदन रीमेक, जिससे विद्या है बहुत ही खुश। और हो भी क्यों ना, आखिर तुम्हारी सुलु से 5 सालों बाद विद्या को मिली है कमर्शियल हिट। बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि तुम्हारी सुलु ने बहुत प्यार बटोरा है और यू नो 3 महीने हो चुके हैं रिलीज को, अभी भी लोग जब फिल्म देख रहे हैं मैसेजेस आ रहे हैं कि बहुत अच्छी फिल्म है, आपका काम बहुत अच्छा है। वैसे इस खुशी की विद्या के पास है एक खास वजह, क्योंकि तुम्हारी सुलु के सदन रीमेक में विद्या के ऑन स्क्रीन कैरेक्टर सुलोचना दुबे का कैरेक्टर प्ले करेंगी ज्योतिका। लेकिन ज्योतिका के सुलु बनने से विद्या क्यों है एक्साइटेड, ये विद्या से ही जानते हैं। ज्योतिका बहुत बेहतरीन एक्टर है और मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरे फिल्म के रीमेक में वो काम करेंगी, क्योंकि मैं उनकी फिल्म के रीमेक में काम कर चुकी हूँ, भूल भुलैया वाज़ अ रीमेक ऑफ चंद्रमुखी, तो शी इज़ फैंटास्टिक, तो वो तो कमाल ही करेंगी। तो विद्या ने तो पहले ही कह दिया है कि तुम्हारी सुलु का सदन रीमेक होगा बहुत ही कमाल। लेकिन जब उनसे पूछा गया उनके फ्यूचर प्रोजेक्ट्स के बारे में तो विद्या ने बनाए रखा सस्पेंस। ब्यूरो रिपोर्ट, जूम मुंबई।
एंड बॉलीवुड में फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन आप कहीं मत जाएगा क्योंकि ब्रेक के बाद भी बाकी है बहुत कुछ खास, सो स्टे विद अस। अब आ गया है टाइम टू रिवील आखिर कौन है ओप्पो डेली टाइम्स फ्रेश फेस 2017 के वो दो चेहरे जिन्होंने दिखाया अपना फ्रेश फैक्टर और दे दी बाकियों को कड़ी टक्कर एंड बन गए डेली फिनाले के विनर्स। Winner is going to win an Oppo F5, capture the real you, fantastic smartphone, and also they move on to the national finale. And agar national finale mein jeet gaye, fir se ek bar Oppo F5 phone jeetenge, and international trip bhi milegi. The Oppo Delhi Times Fresh Face 2017 winner, Viren Dark. Oppo Delhi Times Fresh Face 2017 winner, undoubtedly Simran. ओपो डेली टाइम्स फ्रेश फेस के टाइटल के साथ ही साथ हमारे विनर्स को मिला एक ओपो F5 फोन एंड दे वर टू डिलाइटेड टू शेयर द हैप्पीनेस। किसी के डांस ने तो किसी की एक्टिंग ने, किसी की सिंगिंग ने तो किसी के फ्रेश फैक्टर ने दिखा दिया कि दिल्ली का टैलेंट देगा नेशन फिनाले में सभी को कड़ी टक्कर। दिल्ली की जो एनर्जी है वो एक नेक्स्ट लेवल है एंड इट्स अमेजिंग, इट्स सच अ ग्रेट प्लेटफॉर्म। यू नो व्हेन वी वर इन कॉलेज वी नेवर हैड सच प्लेटफॉर्म, सो इट्स सच अ गुड वन बिकॉज़ ऑल द किड्स फ्रॉम ऑल द कॉलेजेस दे गेट एन अपॉर्चुनिटी टू कम एंड शो व्हाट दे गॉट। Mumbai is called the Mahanagari, so everybody would want to go, and I'm getting a chance by winning this title, so this is a very, very important title for me. The Oppo Delhi Times Fresh Face is an amazing platform for the young generation. We're getting to represent ourselves in the best way possible. We're gaining confidence. We have learned so much in the past few days through rehearsals, how to present yourself better, how to groom yourself, and I'm hoping to learn so much more during the national finale. दिल्ली के अंसल प्लाजा मॉल में हुए इस ग्लैमरस इवेंट के विनर्स विल नाउ सेट देयर आईज ऑन द ग्रैंड फिनाले। लेट एक्टर श्रीदेवी की डॉटर जानवी ने पूरी फैमिली के साथ किया अपना 21st बर्थडे सेलिब्रेट। CBSE एग्जाम्स दे रहे स्टूडेंट्स को ऋतिक ने दिया एक स्पेशल मैसेज। ऑल दिस एंड मोर कमिंग अप इन आवर नेक्स्ट शो 30 में 30। एंड दिस इज इट फॉर नाउ, वी विल बी बैक टुमारो विद मोर बॉलीवुड जूसेस एंड स्कूप्स। अंटिल देन यू कीप वॉचिंग ज़ूम टर्न ऑन।